हेलो दोस्तों, बैडमिंटन रैकेट को दो तरीकों से स्ट्रिंग किया जाता है, टू नॉट्स और फोर नॉट्स। टू नॉट स्ट्रिंगिंग बहुत कॉमन है और इस प्रोसेस में रैकेट को स्टार्ट टू एंड स्ट्रिंग किया जाता है, जिससे कि स्टार्ट और एंड में एक एक नॉट लगती है। इस प्रोसेस में स्ट्रिंग का टेंशन सेम होता है। वही चार नॉट स्ट्रिंगिंग प्रोसेस में रैकेट को पहले वर्टिकल स्ट्रिंग किया जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल, जिससे चार नॉट्स लगती है। इस प्रोसेस में डिफरेंट स्ट्रिंग टेंशन रखने का भी ऑप्शन मिल जाता है। चार नॉट प्रोसेस में रैकेट का स्वीट स्पॉट बढ़ जाता है और कम टेंशन लॉस के चलते अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। बट इसका डिसएडवांटेज भी है, डिफरेंट स्ट्रिंग टेंशन रखने के वजह से रैकेट टूटने का खतरा होता है। तो ये था डिफरेंस टू नॉट्स और फोर नॉट स्ट्रिंगिंग में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।